प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गुस्से को कैसे काबू कर सकते हो। हाउ टू विन एंगर, आप अपने क्रोध या अपने गुस्से के ऊपर कैसे जीत प्राप्त कर सकते हो। हम सभी जानते हैं कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारी सफलता के लिए हानिकारक है। तो क्यों ना इसको हम अपनी जिंदगी से हटा दें, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें। तो आइए आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने क्रोध को कंट्रोल करके सफलता की सीढ़ियों के ऊपर जाकर सफलता को प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आता है, तो अगर आप इन तीन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, तो मुझे यकीन है कि आप अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। पहला स्टेप है टू नाउ इफेक्ट्स। देखो, जब तक हमें किसी चीज का डिसएडवांटेज नहीं पता लगेगा, तो हम उसको क्यों त्यागेंगे। हमें जानना चाहिए कि इसके क्या नुकसान है। देखो, ऑन द हेल्थ, सबसे पहले जो गुस्सा है वो हमारी सेहत के ऊपर अटैक करता है। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे हमारा जो खून है वो खत्म होता जाता है। तो सीधा ही है, आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जब आपने एक समय में गुस्सा कर लिया, एक समय में क्रोध कर लिया, तो आपका खून सूख जाएगा। आपका जो खून है वो सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, आप कमजोर होते जाओगे। कोई भी बीमारी है वो आपको बहुत छेती लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर का खून है वो तो कम हो गया। आप जब कमजोर होंगे तो बीमारियां आपको छेती लगेगी। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ऑन रिलेशंस, ये याद रखिए कि जब जब हम किसी के साथ गुस्सा करते हैं या गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे लिए दुश्मन को क्रिएट करता है, हमारे दोस्त कम बनते हैं। यदि हम इसको कंट्रोल कर लें, अपने मन के ऊपर काबू करके इसको कंट्रोल कर लें, तो हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे। तो गुस्से का रिलेशंस के ऊपर हमेशा ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात है कि ऑन द बिजनेस, देखो बिजनेस रिलेशन से बनता है, कमर्शियल रिलेशन का नाम ही बिजनेस है। यदि बिजनेस में भी हम अपने कस्टमर को गुस्से से बोलेंगे, मीठा नहीं बोलेंगे, व्यवहार गुस्से से भरा हुआ होगा, तो हम अपने कस्टमर को खो देंगे। जब भी आपका बिहेवियर बहुत ही गुस्से वाला तथा आप बहुत ही छेती आग बबूला हो जाते हो, तो आपके कस्टमर आपसे भाग जाएंगे। जब आप बिजनेस में फेल हो जाओगे, तो जिंदगी में कैसे सफल होंगे। तो यह इसके इफेक्ट है, इसको हमेशा याद रखिए। गुस्सा आपकी सेहत खराब करेगा, गुस्सा आपके दोस्तों को आपसे दूर ले जाएगा, गुस्सा आपके बिजनेस को चौपट कर देगा। तो इसको कभी नहीं करना। तो पहला स्टेप ही आपको कंट्रोल करने के लिए ताकत देगा। दूसरा स्टेप हम जानते हैं, टू नाउ द रीजंस ऑफ द एंगर विद पीस। देखो, शांति से ना, जब भी कभी गुस्सा हो, बार बार आप किसी के साथ गुस्सा हो रहे हो, तो यह याद रखिए कि गुस्से में डिसीजन हमेशा ही गलत होते हैं। आप समस्या का हल नहीं ढूंढते, बल्कि गुस्से में आप समस्या को और भी बढ़ा देते हो। तो हमें शांति से बैठकर विचार करना चाहिए, पूरे विवेकशील से हमें विचार करना चाहिए कि समस्या क्या है, उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। जब आप यह सोच लोगे कि इस समस्या का फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो
तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो वो शांति से मिलेगा। मान लीजिए पति और पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, तो पति विवेकशील है, पत्नी विवेकशील नहीं है, तो पति का यह फर्ज है कि वह अपने कमरे में बैठ जाए, शांति से विचार करे कि क्या रीजन है, गुस्सा क्यों हो रहा हूं मैं, या मेरी धर्म पत्नी मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही है। तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, उन सॉल्यूशन को एक कॉपी पे नोट कर दीजिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कीजिए और आपको सफलता मिलेगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी। ऐसे ही हर गुस्से के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, उस रीजन को आपने शांति से सॉल्व करना है। कभी भी गुस्से को एक साधन मानकर समस्या को हल मत कीजिए, कुछ समझिए आप। तीसरा है स्टेप्स, इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर फाइटिंग विद एंगर। देखो, जब आप में आत्मविश्वास होगा तभी आप गुस्से से युद्ध कर सकते हो। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मविश्वास होना जरूरी है, क्योंकि क्रोध अपने आप में बहुत बड़ा राक्षस है, और जब तक आपकी आत्म शक्ति एक नहीं है आप इसके ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ साथियों का होना आवश्यक है, ऐसी शक्तियां अपने में लेके आइए जिससे आप उससे फाइट कर सकते हो। जब आपको पता है कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकत वाला है तो आपको अपने में वो शक्तियां लेके आनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे हथियार लेके आने पड़ेंगे जिससे आप क्रोध रूपी दुश्मन से फाइट कर सको। सबसे पहले है यूज हमर, इसका मतलब ये है निम्रता। कोशिश कीजिए जिंदगी में आपके 24 घंटे निम्रता में बीते हैं। आपकी जुबान जो है वो हमेशा ही मीठा बोलने के लिए उत्सुक हो। जिस समय आपकी जुबान मीठा बोलने के लिए उत्सुक होगी, 24 घंटे अपने मन में यह रिमाइंड करते रहिए कि मैंने मीठा ही बोलना है, अपनी जुबान से एक शब्द भी तीखा नहीं बोलना, मैंने किसी को गाली नहीं देनी, तो आप यह समझ जाइए कि आपकी जुबान आपके साथ चलेगी, एक हथियार बन जाएगी इस गुस्से के खिलाफ। रिलैक्स, जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने आप को बहुत ही शांत रखिए। रिलैक्सेशन में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तो वो क्रोध का साथ देती हैं। आंखों को बंद कीजिए, कानों को सुनना बंद कीजिए, ज्ञान शक्तियां जो हमारे ज्ञान की इंद्रियां हैं वो सहयोग देती हैं क्रोध में, तो एक्शन होता है हाथों से लातों से। तो पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, इनके माध्यम से क्रोध हमारा जीवन नष्ट करता है। तो अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेके आइए, उसको आपने रिलैक्स देना है। अगर आपको लगता है कि क्रोध आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपकी ज्ञान इंद्री है जुबान, आपकी ज्ञान इंद्री है आंखें, आपकी ज्ञान इंद्री है कान, तो इनको बंद कीजिए, इनको बंद कीजिए। चेंज द एनवायरमेंट, तो देखो एक माहौल बनता है, उस माहौल में आपने किसी के ऊपर ब्लेम लगाया, दूसरे ने आपके ऊपर भी ब्लेम लगाया, आपने किसी को गाली दी, दूसरे ने भी आपको गाली दी है ना, उसमें यह देखा जाता है कि वो आपका भाई है, वो आपका पिता है, या वो आपकी माता है। क्रोध आपको पागल बना देता है, असल में उसके लिए आपको अपना एनवायरमेंट चेंज करना होगा। बस एक सेकेंड भी अगर वहां आप खड़े रहे तो मानिए कि आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, मानिए कि आप अपना दुश्मन पाल रहे हो। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, यह आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि मैंने वहां से भागना है, उस एनवायरमेंट से भागना है, तो सफलता आपके पीछे भागेगी। जिस समय कोई क्रोधी व्यक्ति आपको दिखाई दे तो उसी समय वहां से भाग निकलिए, भाग निकलिए उसी समय। फॉरगिव, तो यह भी आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगा, क्षमा कर दीजिए। अरे भाई, जो क्रोध करता है वो तो मूर्ख है, तुम क्यों क्रोधी बन रही हो, अरे क्षमा कर दो। क्षमा की शक्ति अपने में लेके आइए, तथा इस
चार हथियारों को जब आप अपने में लेके आएंगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है। पहला स्टेप इस्तेमाल कीजिए, हमेशा याद रखिए कि गुस्सा हमारे लिए खतरनाक है, हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा गुस्सा है। दूसरा स्टेप, बहुत ही शांति से क्या रीजन है गुस्सा आपने क्यों किया, क्रोध आपने क्यों किया, इस प्रश्न का जवाब आप लिखिए एक कॉपी के ऊपर बहुत ही शांति से। तीसरा, अपने में आत्मविश्वास लेके आइए कि मैंने जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करना। आत्मविश्वास लेके आइए कि हाँ, यह क्रोध मुझ पे हावी हो रहा है, इसको मैंने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अपने में निम्रता, मीठा बोलना लेके आना है, शांति से सोचना है, आंखें बंद करनी है, कान बंद करना है। चेंज द एनवायरनमेंट, अपना वातावरण जहां क्रोध हो रहा है वहां से भागना है। जितनी तेजी से भागोगे उतना ही क्रोध आप में कम होता जाएगा। फॉरगिव, जितना हो सके क्षमा कीजिए। अपने में इतनी शक्ति लेके आई, अरे भाई क्षमा कर दो, आपका वरना खून सूख जाएगा, आप अपने टारगेट से पीछे हट जाओगे, आपका लक्ष्य बहुत बहुत ही ऊंचा है। तो यह मैं आपको नहीं सिखा रहा, यह मैं अपने आप को सिखा रहा हूं। तो मुझे इसकी आवश्यकता है क्योंकि मैंने बदलना है। अगर मैं खुद बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी। ओके, धन्यवाद।